ज में आपका स्वागत है मैं हूं अमान हम लोग अभी विधान मंडल के पास हैं और विधान मंडल के पास हैं हमारे साथ एक चचा हैं जो सुल्तानगंज से जल अभिषेक करने के लिए पैदल चलकर आए हैं और क्यों आए हैं हम इनसे बात करेंगे आप देख सकते हैं ये पीछे विधानमंडल है और ठीक विधानमंडल के बाहर चचा बैठे हुए हैं और ये जल अभिषेक करने के लिए आए आए हैं हालांकि इनको परमिशन नहीं मिला है आ, क्या नाम है चचा आपका किसान गौरी शंकर मिश्र अच्छा। रहने वाले गांव रंजीतपुर पोस्ट थाना खानपुर जिला समस्तीपुर के हैं हम भागलपुर जिला सुल्तानगंज से हम गंगा जल माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री बाबा नीतीश कुमार जी के नाम पे संकल्पित होकर के किसान कंवर यात्रा करते हुए करीब ढाई सौ किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए हम पटना गांधी मैदान के लिए चले और वहाँ कल पहुँचने के बाद हम एस डी ओ साहब के पास बी डी ओ साहब के पास और कमिश्नर साहब का ऑफिस तक पहुँचे हमको परमिशन नहीं दिया गया जलाभिषेक करने के लिए हम हम बाबा मुख्यमंत्री जी के नाम से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके नाम से जलाभिषेक करना चाहते थे गांधी मैदान में और हम निवेदन करना चाहते हैं बाबा मुख्यमंत्री जी से जी बिहार के किसान का ऋण माफ हो और उन किसान से बात करें बाबा मुख्यमंत्री जी उनकी समस्या को जाने उनके दर्द को एहसास करें क्या है समस्या दर्द क्या है दर्द है किसान खाद बीज बहुत सारी परेशानी के लिए ऑफिस ऑफिस में दर दर भटकते हैं उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है और हार था करके फिर अपने घर चले आते हैं उनका कहीं कोई सुनने वाला नहीं है तो उनसे बात करें उनकी समस्या को जानें और उनकी समस्या को निदान करें तो आपकी बात हुई नहीं हमको किसी आदमी से अभी तक तो बात नहीं हो किसी अधिकारी से बात नहीं हुई है अभी तक तो आपको मना किसने किया करने के लिए? मना हम जहाँ भी जिस ऑफिस में गए हमको तो सबसे पहले परमिशन नहीं मिला तो हम अभी लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के गेट पे आके बैठ गए हैं जो कोई अधिकारी आएंगे हम इंतजार में हैं जो बाबा मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई आदेश आए कोई निर्देश हो जो हम कहाँ पे हमको जगह दिया जाए जो जलाभिषेक करें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और हम किसान की जो समस्या है उस समस्या को उनके सामने रखें इसी आशा किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं खाते में छः हजार रुपये दिए जाते हैं जी सरकार की तरफ से तो मिलती है ये किसान की जो समस्या है अभी देखे होंगे जो हाल फिलहाल इतना बारिश हुई है जल जमाव के कारण किसान की सारी फसल नष्ट हो गया था और कोरोना लॉकडाउन के कारण हमारे किसान तबाह हो चुके हैं तो हम चाहते हैं जो ये किस कर्ज के नीचे दबे हुए हैं किसान बैंक भी परेशान कर रहा है बार बार नोटिस भेजता है टॉर्चर करते हैं बैंक तो हम चाहते हैं जो किसान की कर्ज माफ़ हो किसान आज कर्ज के नीचे दबा हुआ है किसान की कोई सुनने वाले नहीं है तो उनकी कर्ज़ की माफ़ी हो और उनकी समस्या को सुनी जाए और निदान हो आखिर आपने ही क्यों इस चीज़ को मतलब इस चीज़ की मांग रखी ढाई सौ किलोमीटर से पैदल चलकर आए क्योंकि हम भी किसान हैं उस किस उस दर्द से हम भी गुजर रहे हैं तो ये बाबा बैजनाथ जी जिनका कामर यात्रा हम लोग करते हैं सुल्तानगंज से देवघर के लिए उनका ही आदेश है जो हम बिहार के किसान की दर्द को बाबा मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी के यहाँ तक हम पहुँचाए और उनके किसान के दर्द से उनको अवगत कराएं। अच्छा इसी आशा विश्वास के साथ हम आज लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के गेट तक हम पहुँचे हुए सुल्तानगंज से आप पटना आते हैं ढाई सौ किलोमीटर का रास्ता है बहुत परेशानी आई हो जी जी बहुत सारी परेशानी आई बहुत सारी यातनाएँ हुई मेरा पाँव कट चुका है पाँव में फोड़ा हो चुका है चला नहीं जाता है हमारा स्वास्थ्य भी गिर चुका है लेकिन ये सब होने के बाद भी हमारे किसान जितने दर्द में हैं बिहार के जितने यातनाएं सह रहे हैं जितने घोर समस्या से गुजर रहे हैं उसमें ये बहुत ही कम है हमारे लिए ये तो कुछ भी नहीं है इससे बहुत बड़ी समस्याएं हमारे किसान के पास हैं इससे भी बड़ी बड़ी समस्याएँ जो समस्याओं की जानने की ज़रूरत है समस्याएं 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 हैं जो उनके समय से जो उपलब्धता होनी चाहिए खाद बीज की जो भी उनकी सहायता जो सरकार उनके भी सहायता पहुंचानी चाहती है वो सहायता वो ले नहीं पाते हैं उनके तक उनके तक पहुंच नहीं पाती है वो सहायता से वंचित रह जाते हैं वो किसान से बात करें हमारे मुख्यमंत्री बाबा किसान के बीच कैसे पहुंचे किसान उनके उनके जगह तक कैसे पहुंचे ये रास्ता हमारे मुख्यमंत्री बाबा तय करें किसानों किसानों का नहीं सुनते नहीं किसान की कोई कहीं सुनी नहीं जाती हमारे लिए लास्ट ऑप्शन बचा था जो हम मुख्यमंत्री बाबा तक हम किसान की समस्या को पहुँचाए लास्ट ऑप्शन था किसानों, हमारे। किसानों की बात मोदी जी भी करते हैं अमित शाह कहते हाँ, हैं नहीं ये सब कहानी बन के रह चुकी है किसान के लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है बिहार के किसान के साथ बहुत बड़ा अपमान होता ऐसे? है अपमान होता है जहां भी जाते हैं ना किसान आज के तो किसान नाम सुन के ही पदाधिकारी जो है तो उनको हे दृष्टि से देखते हैं नफरत के दृष्टि से देखते हैं मतलब कि बिहार के किसान को समझते हैं ये कोई काम क्या इनके इनसे कुछ होने ही वाला नहीं ये मेरा क्या कर सकते अगर कोई किसान अगर धिकारी के पास कहते हैं हम आगे आपकी शिकायत करेंगे तो बोलते हैं आपको जहाँ शिकायत करना है कर दीजिए इससे मेरा कोई डर नहीं, है, कोई नहीं है, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार का किसान किसी भी अधिकारी के पास जाता है और अपनी बात रखता है जी, जी उनके बातों से कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता जब किसान कहता है की हम शिकायत करेंगे तो बोलते है करने दीजिए जहाँ शिकायत करना है जाके जहाँ मर्जी कर सकते हैं आप आपके साथ भी ऐसा हुआ हाँ जी जी होते ही रहता है हो हो ही रहा है मेरे से। आप लोग लास्ट ऑप्शन हम बाबा मुख्यमंत्री जी के दर तक पहुँचे हुए हैं उनके दरवाजे तक पहुँचे हुए हैं हम लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के गेट पे पहुँचे हुए हैं अब यहाँ से अब अब यहाँ पे अब हमारे नेता सब जाते हैं गाँव में हमसे वोट लेने के लिए तो कहते हैं लोकतंत्र के मंदिर है विधानसभा तो उस मंदिर में हम अपने भगवान को खोजने के लिए आए हुए हैं जो तो हमारे भगवान कहाँ हैं लोकतंत्र के मंदिर में वो मिले हमसे भगवान उन भगवान से हम अपना दर्द कहना चाहते हैं जो भगवान हमारी दर्द को सुनते हैं या नहीं सुनते हैं वो भगवान को भी देखे चुनाव के समय में जो लोग आपके गांव में आते हैं जो नेता जो आपको भगवान मान लेते हैं जी और जी जब आपको जरूरत पड़ता है उनका जी जी आ, तब आप उनको भगवान मानते हैं लेकिन वो नहीं मिलते है वो नहीं मिलते हैं और उनके उनसे ही मिलने के लिए आए हुए नहीं मिलते हैं कोई भी नेता नहीं 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 मिलता और ये जो मौजूदा सरकार है ये बिल्कुल किसानों का नहीं सुन रही है मौजूदा सरकार से तो यही निवेदन लेकर के आए हुए हैं जो हम तो ना कोई रोड बोलिए रोड जाम करना ये इसका भी हम खंडन करते हैं हम देश का नुकसान नहीं पहुंचा करके शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हुए हम हम अपने मुख्यमंत्री बाबा को भी सम्मान के दृष्टि से देखते हैं सम्मान करते हैं और हम किसान हमारे बिहार के किसान के भी सम्मान करें और उनके भी मान को सम्मान मिलता है नहीं कोई सम्मान नहीं मिलता है किसान के तो कोई हमारे बिहार में किसान का तो कोई सम्मान ही नहीं है उस किसान को तो समझिए सबसे कोई स्थान ही नहीं दिया गया है, हमारे बिहार में कोई सम्मान के दृष्टि से हम किसान को नहीं देखा जाता है चलिए ये जो परमिशन जो मना कर दिया गया है जो जल अभिषेक करने आए हैं ये अगर परमिशन नहीं मिलता है तो फिर आगे का रास्ता क्या करिए क्या करना है ये आभे की तो रणनीति हमारे पास अभी कुछ है नहीं हम तो इसी आशा अभिलाषा के साथ यहाँ बैठे हुए हैं हम इंतजार करते हैं जब मुख्यमंत्री बाबा के तरफ से कोई दिशा निर्देश आएगा और हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और जलाभिषेक करेंगे आगे देखते हैं क्या होता है उम्मीद क्या लगता है उम्मीद तो करते हैं जो जरूर कोई परमिशन मिलेगा और खाली हाथ लौटना पड़े तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा तो लौटिएगा या फिर जब तक मानेंगे नहीं तब तक ये देखते हैं जी कितना लोकतंत्र हमारे ये लोकतंत्र के मंदिर में बचा हुआ है कि लोकतंत्र कहने के लिए है या लोकतंत्र समाप्त हो चुका है ये लोकतंत्र के मंदिर से इस बात को तो देखना पड़ेगा ना ये जो पीछे में आप देख सकते हैं कि ये काफी वजनदार है ढाई सौ किलोमीटर आजकल आदमी पाँच किलो का सामान लेकर एक से दो किलोमीटर तक दूर नहीं चल सकता है आप ढाई किलोमीटर पैदल आते हैं कितना दिन लगाने बीस रोज आज बीसवा रोज है मेरा यात्रा का बीस रोज यात्रा का। जी 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 और ये बोझ उठाकर कर आप आए जी 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 ये बोझ कुछ नहीं है किसान के ऊपर जो बोझ है ना इससे बहुत बड़ा बोझ किसान के ऊपर है ये बोझ कुछ नहीं ये तो हमारे बाबा हैं ये हमारे साथ चल रहे है कामर या काम नहीं ये बाबा है, है हमारे बाबा का निर्देश है जो हम किसान के दर्द को वहाँ तक पहुँचाए ठंड का समय है ढाई किलोमीटर रात में किस तरीके से हम किसान से मिलते थे किसान लोग जहाँ हमको ठहरने के लिए व्यवस्था करते थे वहाँ हम ठहरते थे और किसान लोग हमको ठहराते थे और किसान से मिलते हुए आ रहे हैं चलिए क्या आपका नाम एक बार बता दें नाम किसान गौरी शंकर मिश्र किसान गौरी शंकर हैं हमारे साथ सुल्तानगंज से 250 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं ये बहुत वजनदार है एक आम आदमी पाँच किलोमीटर जब पाँच किलो का सामान उठाकर कर एक किलोमीटर चलता है तो समझिए कि उसका बदन दुखने लगता है ये ये लगभग देखा जाए तो पंद्रह से बीस के का है और इस बोझ को उठा कर लेकर आए हैं और कहते हैं कि इससे ज़्यादा बोझ इनके पास जो किसानों का सुना नहीं जा रहा है जो कर्ज है वो माफ़ किया जाए किसानों को सम्मान मिला जाए ये बोझ है इस बोझ के आगे कहीं ना कहीं वो आ, उस बोझ के आगे कहीं ना कहीं ये कम है इस उम्मीद में आए थे कि नीतीश कुमार जी से इनकी मुलाकात होगी और इनकी बात सुनी जाएगी लेकिन कोई पदाधिकारी अधिकारी जो है वो मिलने से मना कर देते हैं जल अभिषेक करने से मना कर देते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए कैमरा पर्सन मांझी जी के साथ मैं हूं अमान धन्यवाद